पहला अनुभव है 20 साल से संघर्ष के इस दौर में, नौजवान होने के नाते अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना। और मुझे इसलिए भी ज़्यादा उत्सुकता थी, उत्साह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी से ही सारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और सम्मान भी मिलेगा। तो अब अवसर आया है, नॉमिनेशन दाखिल किया है, अब यहाँ से इसके बाद इस आगे की प्रक्रिया में हम लोग आ जाएंगे और फिर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता समर्थन की अपील करेंगे। कितनी उम्मीद है गोरखपुर की जनता, क्योंकि इसको योगी का गढ़ कहा जाता है। ये गढ़ किस लोकतंत्र में नहीं होता है, वो राजतंत्र में होता है। यहीं से हमने बहुत सारे लोग हारते हुए देखे हैं, जब मैंने पहले भी कई बार कहा, आज भी फिर उसको कोट कर रहा हूँ, टीएन सिंह मुख्यमंत्री रहते हारे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रहते हुए हारी। तो ये लोकतंत्र, जनता जिसे चाहे उसे आगे बढ़ा दे। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, देखिए मुख्यमंत्री जी कहीं कहे थे कि मैं गर्मी में भी, मई जून में भी शिमला बना देता हूँ, उन्होंने गोरखपुर को क्या बनाया ये देखना पड़ेगा। गोरखपुर भी 4 महीने के लिए झील बन जाता है, ये मुख्यमंत्री जी का विकास है।